हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी को झटके पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 81 ई ऑप्शन के रिजल्ट का क्या हुआ। 81 ई ऑप्शन जो है हुई भी है या नहीं, 81 ई ऑप्शन में किसी चैनल ने पार्टिसिपेट किया था या नहीं, तो इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं इस वीडियो में। और डीडी फ्री डिश पर कौन से बदलाव किए गए हैं ये भी हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप लोगों को हम बताएं 81 ई ऑप्शन जो है हुई भी है या नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रसार भारती ने जो है पहले ही अपनी नोटिस जारी कर दी थी कि 28 अगस्त को जो है ई ऑप्शन करेगा 81 और MPG 2 सेटअप बॉक्स के लिए। उस पर जो है 4 स्लॉट खाली थे, तो उसी के लिए ई ऑप्शन होने जा रही थी। तो प्रसार भारती पहले से ही कोई भी सूचना जारी नहीं कर रहा था कि कितने चैनलों ने जो है पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन से हैं। उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि किसी भी चैनल ने जो है पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो ये ई ऑप्शन हुई है लेकिन किसी भी चैनल ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आगे चलकर ये डीडी प्लेटफार्म के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। प्रसार भारती जो है जो भी ई ऑप्शन कर रहा है तो वो कैंसिल ही हो रही है, चाहे MPG 2 सेटअप बॉक्स हो चाहे MPG 4 सेटअप बॉक्स हो। अगर ऐसा ही चलता रहा, प्रसार भारती ई ऑप्शन करे लेकिन उसमें कोई भी चैनल भाग ना ले, तो आगे चलकर जो है डीडी प्लेटफार्म बंद हो सकता है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। तो प्रसार भारती को जो है डीडी फ्री डिश के नियम में बदलाव करना चाहिए, कुछ नए नियम लागू करने चाहिए। और जो है प्रसार भारती को स्लॉट की कीमत कम भी रखनी चाहिए ताकि बहुत से चैनल पार्टिसिपेट करके डीडी फ्री डिश पर आ सकें, तो डीडी फ्री डिश यूजर्स जो है उन चैनलों को देख सकें। और प्रसार भारती को नए नियम बनाने चाहिए डीडी फ्री डिश के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली न्यूज़ लेकर, अगली अपडेट लेकर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।